नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद में ब्रांड कंपनी का नकली उत्पाद बेचने के आरोप में चार इलेक्ट्रिक दुकानदारों को जेल भेज दिया गया। इनके पास से 2 लाख का सामान भी जब्त किया गया। स्पीड खर्च सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के फील्ड ऑफिसर ने शिकायत के बाद जांच की, इसमें इस मामले की पुष्टि हुई। इसके बाद हुसैनाबाद पुलिस के सहयोग से इन्हें गिरफ्तार किया गया। स्पीड खर्च सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के फील्ड ऑफिसर विशाल मंडल ने जानकारी दी कि पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के कई दुकानदारों द्वारा एंकर कंपनी की डुप्लीकेट इलेक्ट्रिक उत्पाद बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। इसके सत्यापन के लिए हुसैनाबाद पुलिस के सहयोग से शहर की कई दुकानों में जांच की गई। जांच के दौरान चार दुकानों से एंकर के डुप्लीकेट वायर, बजाज फैन, हेवल्स के वायर समेत कई नकली सामान बरामद किए गए हैं। जांच के क्रम में पकड़े गए दुकानदारों में सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक पप्पू भगत, देव इलेक्ट्रॉनिक के मालिक उमाशंकर कुमार, आकाश इलेक्ट्रिक के मालिक आकाश एवं अली इलेक्ट्रॉनिक के मालिक मुराद अली के नाम शामिल हैं। इस संबंध में हुसैनाबाद पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि फिर ऑफिसर की लिखित शिकायत पर चारों दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए इन्हें मेदिनीनगर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।